तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय। शुरू करते हैं आज के प्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के डे 41 को, 42 को। तो आज के क्वेश्चन का नाम है चेक इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वन स्ट्रिंग इनटू अनदर विद गिवन कंस्ट्रेंट्स। आज का क्वेश्चन का इजी कैटेगरी है, बट एक्यूरेसी में देख रहा हूँ 20% है, तो मे बी कंस्ट्रेंट में हम लोग फंसे। ठीक है, तो देखते हैं यार। गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी व्हिच कंटेन्स एग्जैक्टली थ्री कैरेक्टर्स ए बी एंड हैश ओनली। ओके, चेक वेदर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द फर्स्ट स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। मतलब एस को टी बनाना है, राइट, एंड नॉट द वाइस वर्सा। मतलब सारे ऑपरेशन हमें एस में करने हैं। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। और स्टेप्स क्या यार, ए कैन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ओनली, बी हैज जो सिर्फ राइट मूव करेगा, और एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, नीदर ए नॉट बी कैन क्रॉस ईच अदर। ठीक है, और नोट में क्या लिखा है कि आयत करेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट वन स्टेप मीन्स स्वैप आयत विद दी आयत माइनस वन। बड़ी ऑब्वियस बात है, और आई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बी को सिमिलरली अगर आगे तरफ मूव कर रहे हैं तो आई को आई प्लस वन से स्वैप करना, और आई प्लस वन जो है लेस देन स्ट्रिंग लेंथ होना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात थी। ठीक है यार, ये इनपुट टेस्ट केस दे रखा है, एक्सप्लेनेशन है कुछ बहुत बड़ा सा, आगे भी पढ़ लेते क्या। यू डोंट नीड टू रीड और प्रिंट एनीथिंग, जस्ट कंप्लीट द फंक्शन ए एंड एम एन एन एंड रिटर्न्स वन इफ एस कैन बी कन्वर्टेड टू टी। अच्छा यार, मतलब हमें टोटल स्टेप्स नहीं निकालना है कि एग्जैक्टली कितना स्वैप करना है, बस हमें बताना है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, तभी ये शायद इजी कैटेगरी में है ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यार इसका जल्दी से ड्राइव कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग्स हमारी क्या दे रखी है, मैं हैश को एक्स से लिख दे रहा हूँ यार, तो हैश एक्स से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उतना बड़ा लिखना नहीं चाह रहा। एक्स ए एक्स बी एक्स बी एक्स, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग क्या है, ए एक्स 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 ई एक्स बी। ठीक है यार, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एस और टी की जो है वो लेंथ सेम होनी चाहिए, है ना। क्या एम और एन है, एम और एन जो सेम होना चाहिए। अगर सबसे पहले लिख देंगे नॉट इक्वल टू एन देन रिटर्न जीरो, ये तो यही हो जाएगा एक बेस केस। फिर हमें क्या करना है कि हमें जैसे कि एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है इनका कि ए जो है ए इन एस इज राइट, ए इन एस ओके इज राइट टू द ए इन टी। हाँ, ये जो ए है और एस वाला जो एस है वो इसके राइट में है, तो इट कैन मूव इजली टुवर्ड द लेफ्ट। अच्छा, मतलब ये जो है ये ऑब्वियसली पीछे जा सकता है आराम से, है ना। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनको स्वैप कर दो, इसको एक्स कर दो और इसको ए कर दो, है ना, स्वैप कर दो। तो अब ये मैच हो गया ए एक्स और ए एक्स, ये बोलना चाह रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। सिमिलरली इनके लिए कह रहे हैं कि जैसे ये बी है, राइट, एस वाला बी इधर है और जिस स्ट्रिंग में हमें कन्वर्ट करना है वो टी है, राइट, और ये बी है, और हम बी को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, राइट। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे दोनों को, है ना, तो ये एक्स बी हो जाएगा। सिमिलरली फिर हम अगेन हम यहाँ देख रहे हैं लाइक डिफ्रेंशिएशन डिफरेंट है यहाँ पे, तो फिर से ये जो बी है और ये बी आ गया, राइट, तो हम एस में ही सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, टी में नहीं कर सकते हैं। ये हमने कहा है एस को टी में कन्वर्ट करो, तो ठीक है हम फिर से इसको स्वैप कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है यार, तो मैं एक बार स्ट्रिंग वापस से लिख लेता हूँ, मैं इस पर कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कुछ बातें, और वो है एक्स 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 बी। यार हम यहाँ पे दो पॉइंटर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, पॉइंटर मेंटेन करने से मुझे लगता है काम हो जाएगा। तो लेट्स से, और हम पॉइंटर कैसे कर मेंटेन करेंगे कि हम सिर्फ ए और बी को ही सर्च करेंगे, ठीक है, एक्स को नहीं सर्च करेंगे। तो लेट्स से ऊपर का पॉइंटर आया था और ये पॉइंटर जे था, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अब कुछ ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं कि ये जो आई है और ये जो जे, हमें पता है कि दोनों कैरेक्टर सेम है। सबसे पहले तो अगर हमने आई और जे को सर्च कर लिया, है ना, तो हमें चेक करना होगा कि अगर कैरेक्टर एस डॉट कैर एट समथिंग आई इज इक्वल्स इक्वल्स टू टी डॉट कैर एट जे, है ना, एक तो ये केस हो जाएगा और एक नॉट इक्वल्स टू वाला केस हो जाएगा, है ना, ये दो केसेस होंगे। तो अगर इक्वल्स टू है यार, हमें नॉट इक्वल्स टू वाला केस पहले देख लेते हैं। अगर नॉट इक्वल्स टू अगर हमें यही मिल जाता, राइट, तो हमें तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट जस्ट सेड कि भाई रिटर्न जीरो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इनका सेकेंड टेस्ट केस क्या था, हाँ देखो ये क्या था, हैश टैग ए हैश टैग बी, तो हमारा पॉइंटर इस आई पर होगा पहले ए पे और इस बी पे, और ये कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है यार, हम ए को कैसे, वो बी की तो बना ही नहीं सकते हैं, राइट। तो ठीक है यार, तो ठीक है ठीक है, ऐसे केस में तो डायरेक्ट जीरो कर देना है। बट अगर इक्वल हो जाए तो वॉट आई कैन ऑब्जर्व हेयर इज कि मैं ए को लेफ्ट मूव कर सकता, राइट, मैं इसको पीछे ले जा सकता था, है ना, बट मैं कितना पीछे ले जा सकता हूँ, मुझे इस आई को, ये जो इस पॉइंटर पर है, मुझे उसको यहाँ लेके आना है ना,
बड़ी ऑब्वियस सी मेरे को कंस्ट्रेंट दिख रही है यहाँ पे कि जो आई जो है वो ग्रेटर देन जे होना चाहिए, वो ना है ना, तभी पॉसिबल है स्वैप करना, है ना। तो पॉसिबल कब नहीं होता? पॉसिबल तब नहीं होता जब ये इक्वालिटी अलग हो जाती, जे लेस देन आई होता तो पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में हम लोग क्या देते, रिटर्न जीरो, है ना, यही होता। चलो तो यही आई और जे हम लोग अब बी के लिए थोड़ा ऑब्जर्व कर ले। तो ठीक है, मैं यार थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हमारा लेट्स से अब आई इस चीज़ को करने के बाद आगे बढ़ चुका होगा, एंड अगेन वो नेक्स्ट कैरेक्टर ढूंढेगा, राइट। तो उसे यहाँ मिलेगा और जे उसे यहाँ मिलेगा, ठीक है। एंड मैं क्या देख पा रहा हूँ कि आई जो है इस पॉइंटर को हम राइट मूव कर सकते हैं, राइट। और कितना राइट मूव कर सकते हैं, हमें एग्जैक्टली इधर लाना है, इस जे पॉइंटर पर लाना है ना। तो इसका मतलब है यार कि आई जो है वो ग्रेटर देन जे होना चाहिए, होना चाहिए, तभी पॉसिबल है इन इनको स्वैप करके सेम करना, है ना। तो पॉसिबल कब नहीं होता, जब जे ग्रेटर देन आई होता, तो इस केस में रिटर्न जीरो हो जाता, ठीक है यार। तो मैं देख पा रहा हूँ इस चीज़ को कोड करना तो डिफिकल्ट है, हर बार के लिए पॉसिबल है तो वो चीज़ तो मेरे को डिफिकल्ट लग रही है, बट ये चीज़ मेरे को आसान लग रहा है कि जो जब पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट रिटर्न जीरो करते जाओ, है ना। तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब हमारा कैरेक्टर इक्वल है तो इसमें यार दो केस बन रहे हैं, राइट, कि अगर एस डॉट कैरेट आई पे अगर हमारा ए है, एंड दूसरा केस हो गया कि एस डॉट कैरेट आई पे हमारा बी है, राइट। तो वी जस्ट वी हैव टू चेक कि जे जो है वो लेस देन आई हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो रिटर्न जीरो, और इस केस में क्या था कि जे जो है वो ग्रेटर देन आई हो जाए तो ऐसा हो जाएगा तो रिटर्न जीरो। ये हमने डिस्कस किया अभी, यार कैसे डिराइव किया हमने ये चीज़, ठीक है। मेरे को तो आधा कोड यही सूडो कोड कंप्यूट होता होता हुआ दिख रहा है। से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस बार आई जे के लिए फिर से चेक कर लेते हैं, ये भी सेम बात है, हम इस पॉइंटर पर हैं एंड बी को वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट। तो हमें राइट कितना जाना है, इस पॉइंट तक, जे तक, है ना, ताकि इसको स्वैप कर सके इसको और इसको, राइट, ओके। और इसके बीच में कोई ए नहीं होना चाहिए, है ना, वो भी कंस्ट्रेंट है एक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यार ओके ठीक है यार, तो स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं यार, ये तो कोड हो गया मेरे को लग रहा है, ठीक है। स्टेप डिसाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमें, पहले तो हमारी एक वाइल लूप होगी, या फॉर लूप ले लो, है ना, एक वाइल लूप होगा जो एक्चुअली हम पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे, है ना। ट्रैवर्सल इन स्ट्रिंग लिख देता हूँ मैं, और अब ये वाइल लूप तभी काम करेगी जब एम इक्वल्स इक्वल्स टू एन है ना, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, हमें दो पॉइंट चाहिए, हमें हमें क्या करना है, हम एस में ट्रैवर्स करेंगे, एस ट्रैवर्स एंड फाइंड कैरेक्टर्स, और कौन से कैरेक्टर्स, ए या बी, ए या बी को निकालो। तो मतलब जब जब हमें हैश टैग मिलेगा देन विल जस्ट डू प्लस प्लस। सिमिलरली इसमें टी में ट्रैवर्सल करेंगे एंड फाइंड कैरेक्टर ए एंड बी, और जब जब हमें हैश टैग मिलेगा विल डू प्लस प्लस, ठीक है। ये आई पॉइंटर हो जाएगा, जे पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ओके। अब इसमें दो केसेस थे, राइट, ये वाले केसेस कि जब इक्वल्स हो और नॉट इक्वल हो, तो मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो ये वाले केसेस हम यहाँ लिखेंगे, राइट, ठीक है। बट इससे पहले यार एक केस मेरे को और दिख रहा है कि लेट्स से हमारे पास एक्स है, ए है, मैं ऊपर वाले एग्जांपल इस्तेमाल करता हूँ, एक्स ए और ए एक्स था, राइट, एक्स ए और ए एक्स है, यहाँ तक तो ठीक है। बट अगर मान लो हमारा अगला जो है, यहाँ तक तो आई और जे अपना काम कर देगा, बट अगला मान लो पूरा एक्स है, एंड हियर वी हैव सम कैरेक्टर्स एज एक्स ए एंड बी, राइट। तो अगले सर्च में हमारा आईथ कैरेक्टर तो यार बाहर पहुंच जाएगा, मतलब स्ट्रिंग लेंथ दैट इज एम को पॉइंट कर रहा होगा, और जेथ कैरेक्टर हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, और इस केस में हमें डायरेक्ट दिख रहा है यार कि पॉसिबल है ही नहीं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड एक मेंशन करना होगा कि आई जो है वो आउट ऑफ बाउंड जा चुका है ना, एंड एंड जे अभी भी बाउंड के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो। और अगर रिवर्सल, अब यही सेम केस उल्टा भी हो सकता था, राइट, तो हमें वो भी लिखना होगा कि अगर जे जो है वो आउट ऑफ बाउंड जा चुका है एंड एंड आई जो है वो इनबाउंड है अभी, तो उस केस में भी रिटर्न जीरो, ठीक है यार। तो चलो तुरंत से इस चीज़ को कोड कर लेते हैं, ठीक है। ये जे और आई आपको, मैं होप आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी, हो गया होगा, ये मेन लॉजिक है यार इस कोड का, इस क्वेश्चन का। तो चलो इसको कोड करते हैं, ठीक है यार। तो पहला तो यार था कि हमारा चेक करना है कि इफ एम नॉट इक्वल्स टू एन, है ना, तो कंपैरिजन करने का मतलब नहीं बनता, डायरेक्ट रिटर्न जीरो, ठीक है। नाउ वी हैव टू
traverse in string, traverse in both strings actually. But at this point of time we know ki hamara m or n equal hai, right? So hum bas sirf ek while loop se hamara kaam ho jayega, while i less than m. Ha theek hai, theek hai. Ab hum kya kar sakte hain yahan pe, what was our next step, ki hum ek aise character ko dhoond rahe the jo actually equals to a ho ya b ho, hai na. और जब हैश टैग आएगा तो वी जस्ट हैव टू डू प्लस प्लस. तो ठीक है यार, व्हाइल आई इज लेस देन एम एंड एन एस डॉट इज इक्वल्स इक्वल्स टू व्हाट, ए और बी के लिए लिखना चाहे तो हमें लिखना होगा एस डॉट कैरेट ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू ए, तब हमें उस पॉइंटर को रोकना है. बट उससे अच्छा हम लिख देते हैं कि जब हैश टैग हो तो वी जस्ट जस्ट डू प्लस प्लस, राइट. सिमिलरली जे पॉइंटर को भी पॉइंट करा लेते हैं तुरंत से, is less than n and then t dot char at j equals equals hash tag and j plus plus. ठीक है, हमारा i और j pointer आ चुका है. अब भाई वो वाला केस था कि हमारा i जो है आउट ऑफ बाउंड चला जाए, of लिख देता हूँ एंड j इन बाउंड एंड वाइस वर्सा, ये वाला केस होगा. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि if i is less than m, out of bound, yeah, right? So greater than m, greater than equals to m, right? And j is less than n, right? This case में हम करेंगे return 0. और हमारा एक और केस हो गया कि हमारा जो है j out of bound जा चुका है and i is वो भी inbound ही है, case में भी return 0. ठीक है यार, ठीक है ठीक है. अब केसेस होंगे कि equals equals to एंड नॉट इक्वल्स टू वाले केस होंगे, राइट. तो हमें चेक करना होगा कि एस डॉट कैर एट आई इक्वल्स इक्वल्स टू टी डॉट कैर एट जे. अब इनमें भी स्पेसिफिक केस होंगे, राइट. या जो एस वाला कैरेक्टर वो ए है या बी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. और इससे पहले हम यार ये लिख देते हैं कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट डाल देते हैं कि i is less than m and then j less than n and ऐसा है. ठीक है, एंड अब क्या इसमें हम चेक कर सकते हैं, हमें चेक करना होगा कि नाउ दैट s डॉट कैरेट इज पॉइंटिंग टू a और b, तो हम उन दोनों के लिए अलग अलग j और i का पॉइंटर हमने बनाया था, राइट. अलग अलग केसेस थे तो उसको कोड कर लेते हैं. तो s डॉट कैर एट i इज इक्वल इक्वल टू a हो जाए, है ना, क्या हो जाए. तो और उसमें हमें कौन कौन से पार्ट में हमारा आंसर जीरो आ रहा था, अगर वापस से देख लेते हैं पेज पे. अगर s डॉट कैर एट a था एंड j इज लेस देन i तो आंसर जीरो है, राइट. j लेस देन i रिटर्न जीरो. और फिर ये सेम केसेस, सेम केस बी के लिए, बस इनइक्वालिटी चेंज जाएगी. जे इज ग्रेटर देन आई देन रिटर्न जीरो, है ना. अब एक दूसरा इफ लिख लेते हैं जहां पे ये चीज इक्वल नहीं होगी, है ना. कॉपी कर लेते हैं. द कैरेक्टर्स आर नॉट इक्वल, तो उसमें हमने देखा यार कि कुछ नहीं कर सकते हैं उसका, तो डायरेक्ट रिटर्न जीरो हमारा आंसर होगा. और अगर इन सारे केसेस में भी अगर कुछ नहीं फंसा, राइट, तो हमारा आंसर वन हो जाए. तो कुछ सही बात है ना. लेट्स टेस्ट इट. ओके, इसे एम नहीं मिल रहा है. ओके, इसे आई नहीं मिल रहा है, हमने आई ये तो बनाया ही नहीं. तो इंट आई इक्वल्स टू जीरो एंड देन इंट ओके, हमने यहाँ क्या गलती किया तुरंत से देख लेते हैं. ओके, हमने ये जो वाइल लूप लगाया इसका मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो लिखा ही नहीं, आई प्लस प्लस. लेट्स कंपाइल एंड रन. ओके यार, अब ड्राइंग करके देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. ओके, तो
हमने क्या डिस्कस किया था कि आई इक्वल्स टू ग्रेटर देन जे है तो हमारा काम होना चाहिए था, राइट। तो इनइक्वालिटी इसकी उल्टी करनी पड़ेगी, राइट। तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत है कि आई जो है अब उसका इक्वालिटी उल्टा होकर इस तरह हो चुका है, राइट, जे बड़ा हो चुका है। हाँ यार, मैंने तो यहाँ पे मिस टाइप कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली ये आई और जे होगा, है ना, और हमने इनइक्वालिटी बदल दी, राइट। तो ठीक है, ये क्या हो गया, आई जो है वो ग्रेटर देन जे, ऐसा होना चाहिए यार। आपको बात समझ में आ रही होगी, ये आपने अगर वीडियो देखा हो तो ये आप खुद ही रेक्टिफाई कर लिए होगे यहाँ पे कि मैंने मिस टाइप कर दिया है, बट ठीक है चलो। तो ए के लिए हमें जे ग्रेटर देन आई करना है और बी के लिए हमने जैसे उसको उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा एक्चुअली जे ग्रेटर देन आई जी। बिल्कुल सही बात है यार, हमने ये इनक्वालिटी गलत लिख दी थी, मैंने समझाया सही था बट मिस टाइप कर दिया था मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो इसे सबमिट करके टेस्ट कर लें। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हमने सिर्फ एक वाइल लूप लग चलाया, राइट, और बाकी ये सारे वाइल लूप सब पैरेलल में चल रहे हैं, तो मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सिर्फ एक ट्रैवर्सल किया है एक स्ट्रिंग में। एक्चुअली हम दोनों में ट्रैवर्स कर रहे हैं बट वो पैरेलल वर्क हो रहा है, तो ओ ऑफ एम प्लस एन है कॉम्प्लेक्सिटीज की, ओ ऑफ एम प्लस एन, राइट, और दोनों का क्या बोलते हैं लेंथ सेम ही है तभी हम वाइल लूप चला रहे हैं, मतलब ओ ऑफ एम बोल दो इसको। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ वन। ठीक है यार, तो ये हो गया आज का क्वेश्चन सबमिट। ठीक है यार, तो मिलते हैं कल के पीडीयू स्ट्रीक के डे 43 में, तब तक के लिए बस आप तो पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना, और बस बाय, मिलते हैं कल।